सोलन पुलिस चिट्टे के व्यापार को सोलन से खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही है, जिसके चलते पुलिस ने अपने गुप्तचर जिला में बढ़ा दिए हैं और हर छोटे बड़े नशे का काला कारोबार करने वाले पर नजर रखे हुए हैं। जैसे ही सोलन पुलिस को किसी भी नशा तस्कर की खबर मिलती है तो वे उसे और उसके साथ जुड़े तमाम नशा तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लेती है। सोलन पुलिस चिट्टे के व्यापार को सोलन से खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही है, जिसके चलते पुलिस ने अपने गुप्तचर जिला में बढ़ा दिए हैं और हर छोटे बड़े नशे का काला कारोबार करने वाले पर नजर रखे हुए हैं। जैसे ही सोलन पुलिस को किसी भी नशा तस्कर की खबर मिलती है तो वे उसे और उसके साथ जुड़े तमाम नशा तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लेती है। कुछ दिन पहले देवघाट से एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उससे राज उकलवाकर एक विदेशी को भी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। मामले की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि सोलन में कुछ दिन पहले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस युवक के पास से चिट्टा मिला था। जब इस युवक से सख्ती से पूछा गया तो उसने खुलासा किया कि वह नशे का सामान दिल्ली से एक विदेशी से खरीदता है। पुलिस को सुराग मिलते ही पुलिस ने जाल बिछाया और एक नाइजीरियन को दिल्ली से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। फिलहाल पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही है। देखिए, 2 तारीख को हमारी टीम जब पेट्रोलिंग पे थी लगभग रात को 10 बजे, तो सूचना मिली थी कि देवघाट में एक अमित नामक लड़का जो किराए का मकान लेके रहता है, वो हेरोइन बेचने का काम करता है। इस पे उसके घर को जब रेड किया गया था तो वहां से 11.45 ग्राम हेरोइन और कुछ अनयूज्ड सिरिंजेस फाइल्स रिकवर हुई थी। इसमें पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया था और इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। ड्यूरिंग इंटरोगेशन इस लड़के ने बताया कि ये जो हेरोइन है ये दिल्ली से किसी विदेशी मूल के व्यक्ति से लाया है। इस पे पुलिस ने फर्दर काम किया और एक टीम दिल्ली भेजी थी। वहां से उत्तम नगर से एक विदेशी मूल का व्यक्ति जिसका नाम नैना एवरिस्टस है और नाइजीरियन मूल का होना अपने आप को यह बताता है, इसको गिरफ्तार किया गया है। 4 तारीख को इसको गिरफ्तार किया गया और इसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है, जहां से ये 8 तारीख तक इसको पुलिस रिमांड पे भेजा गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन केस में चल रही है। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।